हे दोस्तों, कैसे हो यार? मेरा नाम है गोविंदर, आप देख रहे हैं टेक गुरु चैनल। पिछले साल अप्रैल में यहाँ पर जो है ओप्पो ने एक स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च किया था, जिसका नाम था ओप्पो K10 5G, जो कि दोस्तों आपको जो है डायमेंसिटी 810 के साथ देखने को मिला था। सक्सेसर जो है आने वाला है, जो कि चाइना में लॉन्च होने वाला है जल्दी ही। इसके स्पेक्स की बात करेंगे, नाम होने वाला है ओप्पो K11 5G। तो चलते हैं इसके स्पेक्स की तरफ, इसके प्राइस की तरफ, लॉन्च कब होने वाला है, सब कुछ जो है आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन की। तो डिजाइन जो है आपको यहाँ पर बढ़िया देखने को मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो आपको दो कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें जो है आपको 2.8D कर्व जो है बैक देखने को मिलेगा, जिससे इन हैंड पिक जो है आपको प्रीमियम और अच्छी देखने को मिलेगी। ट्रिपल कैमरा सेटअप जो है बैक में होने वाला है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। इसके थिकनेस जो है आपको 8.33 mm की देखने को मिलेगी, वेट जो है आपको लगभग जो है 184 ग्राम का देखने को मिल जाएगा। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें जो है आपको 6.7 इंच की जो फुल HD प्लस वाली डिस्प्ले देखने को मिल सकती है, जिसमें आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल सकता है। और हाँ, ये डिस्प्ले जो है OLED डिस्प्ले होने वाली है, साथ में जो है आपको इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक भी देखने को मिल सकता है। आगे चलने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये स्मार्टफोन जो है रिब्रांड है। किसका रिब्रांड है, अगर वो आप अभी जानना चाहते हैं तो आप जो इससे पहले वाली जो है मेरे चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। बात करते हैं प्रोसेसर की। प्रोसेसर मिलने वाला है इसमें आपको स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला 682G, जो कि दोस्तों बढ़िया चिपसेट है। 6 नैनोमीटर पर बना हुआ चिपसेट है। LPDDR4X वाली रैम का सपोर्ट मिलेगा, UFS 3.1 का सपोर्ट देखने को। प्रोसेसर का जो एमटू स्कोर है लगभग जो है 5.6 लाख के करीब आता है। बैटरी डिपार्टमेंट की बात करते हैं, इसमें जो है आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है, जिसको चार्ज करने के लिए जो है 80 वाट का जो है चार्जर आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो है इसमें और भी फीचर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि NFC का सपोर्ट मिलेगा, डुअल स्टीरियो स्पीकर आपको देखने को मिल सकता है, आयर ब्लास्टर का सपोर्ट इसमें आपको देखने को मिल सकता है। 3.5 mm जैक होगा या नहीं, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर बात करें ओप्पो K10 5G के सक्सेसर के रूप में, तो यहाँ पर जो है बढ़िया परफॉर्मेंस और जो है बढ़िया सक्सेसर यहाँ पर मैं इसे कहूँगा, क्योंकि स्पेक के हिसाब से जो है पहले के स्पेक के हिसाब से बहुत चेंज है, बहुत अपग्रेड है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर क्लियर मैं ये बोलूँगा कि ये सक्सेसर है, मगर रिब्रांड है। यहाँ पर रिब्रांड की बात करूँ तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो इसका बेस वेरियंट है 8128 वाला देखने को मिलेगा। इसकी प्राइस जो है चाइना में लगभग जो है 23,000 के करीब देखने को मिल सकती है, और चाइना में जो है 25 जुलाई को लॉन्च होने वाला है। इंडिया में कब आएगा इसकी कोई जानकारी नहीं है, जैसे आएगा वीडियो बना के आपको बता दूंगा। ये स्मार्टफोन जो है इंडिया में लॉन्च हुए एक स्मार्टफोन का यहाँ पर रिब्रांड है, जिसका नाम है OnePlus Nord C3 5G, जिसके बारे में जो है कोई बात नहीं कर रहा है। मैंने बात की हुई है मेरे चैनल पर वीडियो, उसको एक बार आप देख लेना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना और फॉलो बटन में क्लिक करना। तो आपसे मुलाकात हुई अगले वीडियो में, तब तक के लिए बैठे कर अपना ख्याल रखिएगा।